की अलोडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की। ऑस्ट्रेलिया 8 दिवसीय पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल ऑनलाइन का कौन सा सत्र आयोजित कराया जाएगा? 55वां। केंद्र सरकार ने एलईडी लाइट और एसी के लिए किस योजना की शुरुआत की? पीएलआई योजना। किसने असोममाला परियोजना का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? श्रावस्ती। किस देश ने चीन के सिनोबैंक टीके को मंजूरी दी? इंडोनेशिया। किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ है? न्यूजीलैंड। किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिली? उत्तराखंड। चमोली। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? पंडित भीमसेन जोशी। कितनी महिला कोबरा कमांडो की पहली टुकड़ी सीआरपीएफ में शामिल की गई? 34। महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी। महिला जननांग विकृति जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम पर रखी गई है। नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनाइट फाउंड द एक्ट ऑफ इंड FGMC। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 50वें। किस देश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? चीन। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? 4,700 करोड़ रुपए। किस खेल से संबंधित अख्तर अली का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ? टेनिस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतीक्षा अभियान को मंजूरी दी? दिल्ली। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया? कनाडा। किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। टेक महिंद्रा के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिलिंद कुलकर्णी। किस बीमारी के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट कामा ओरिजिनोल को न्यूट्रा इश्यू टिकल के तौर स्वीकृति मिली? थायराइड। वर्ष 2021 की नॉन स्टॉप राउंड द वर्ल्ड यॉट रेस किसने जीती? रिसे क्रीमर। किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? ब्रिटेन। ऑनलाइन नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड किस राज्य ने स्थापित किया? मध्य प्रदेश रतलाम जिला। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की? वर्ष 2030। शिक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ना पर कितने आवासीय स्कूलों का नाम रखने की घोषणा की? 1063। बंसी कौल से 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो एक परिचित थिएटर निर्देशक। किस राज्य के युवाओं ने टिकटॉक की तरह ही वीडियो ऐप टीआरपी लॉन्च किया? असम। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? नाना पटोले।